सब कुछ शादी मनीष मित्र जी उपस्थित सभी भाई और बहन आप सभी का इस नियमित चलने वाले लंबा वर्ग में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप नियमित आते हैं और यहाँ अपना जो धम्म के प्रति का रुझान है उसको बढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल से ये सिलसिला काफी अरसे से आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो इसीलिए अब ऐसा होता है कि आपके सामने बोले तो क्या बोले, तो एक श्रृंखला बनती है फिर प्रवचनों की, भाई मेरे बात कौन दे, उनके बात कौन दे। हर सप्ताह हम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाओं को उजागर कर सके, जो हमको समझी है और हमारा जो थोड़ा बहुत अनुभव है वो आपके साथ में साझा करें। हमको जो बाधाएं आती है आचरण करते वक्त, जो सफलताएं मिलती है वो शेयर करें, और जो बाधाएं आती है उसको हमने कैसा डील किया है या कैसा उसके साथ में हमने काम किया है, वो अनुभव जब आपके साथ में बांटते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रवचनों के बाद में बहुत सारे लोग आके ये बोलते हैं कि आपने हमारे हमारे ही बारे में कुछ कहा है, आपको किसने बताया है हमारे बारे में। तो बहुत बार ऐसा अनुभव आता है कि ये आपकी समस्या नहीं है, ये यूनिवर्सल समस्या है। तो इस यूनिवर्सल समस्या को निपटाने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने स्वयं के प्रयत्न, हमारे सहपाठियों के प्रयत्न, हमारे दोस्तों मित्रों के प्रयत्न, हमारे घर के लोगों के प्रयत्न, इसका भी हमें फायदा होता है। जो व्यक्ति ये समझ लेते हैं कि भाई हमारी समस्या कुछ अलग है, समस्या को पहले उनको समझना पड़ेगा, पहले उनको हमारी समस्या को जानना पड़ेगा, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए वो कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चार आर्य सत्य, तो चार आर्य सत्य यानी जो सत्य है वो सभी को सभी के साथ वो घटने वाले हैं, सभी के साथ में वो बात होने वाली है। कोई भी ऐसा व्यक्ति या जो जीवधारी प्राणी है वो उससे बच नहीं सकता, तो वो फिर वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि नहीं मेरी समस्या को आप समझेंगे नहीं, मेरी भावनाओं को आप समझेंगे नहीं, मेरे कल्चर को आप समझेंगे नहीं, मेरी मनोवस्थाओं को आप समझेंगे नहीं, ये खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, उसका कोई मायना नहीं रखता है। क्योंकि बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य बताए वो आर्य सत्यों का मतलब है इससे कोई भी बचने वाला नहीं है। और फिर दूसरा सिद्धांत हमको देखने को बुद्ध दिखाते हैं, वो कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद है, यानी ये होने से ये होता है। उदाहरण के तौर पे हमको प्यास लगती है तो पानी हमको लगता है, प्यास बुझ गई तो पानी नहीं लगता है, भूख लगी तो खाना लगता है, खाना हमारा हो गया तो भूख समाप्त हो जाती है। हमको जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत है, वो सांस लेना बंद हो गया तो हम दुनिया छोड़ देते हैं, यानी ये होने से ये है। तो फिर ये भी मुद्दा खत्म हो जाता है कि नहीं आप मेरी बात को समझ नहीं पाते या वो व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाते या उस व्यक्ति ने मुझे जाना समझा ही नहीं, तो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सभी जीव सभी प्राणी जो है वो एक जैसे ही है, एक जैसी समस्याओं से एक जैसे ही आनंद से जी रहे हैं। यानी आपको अगर किसी ने अच्छा बोला, किसी को भी अच्छा बोला तो अच्छा ही लगता है, किसी ने बुरा बोला तो बुरा लगता ही है,
होता ही है। तो ये पूरे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये नहीं कह सकता कि तुमको मेरे तुमको समझते हो और आप मेरे भावनाओं को समझ नहीं सकते, ये पूरा गलत है। तुम मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हो सकता है तुम्हारे बोलने के तरीके से वो बात समझ में नहीं आती है, वो बात हो सकती है, वो बात को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उसको तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा। तो सुनना, समझना, जानना, इसको सीखना पड़ता है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे के साथ में खेलते हैं तो छोटे बच्चों को कुछ भी समझता नहीं, छोटे बच्चों को कुछ भी समझता नहीं, 6-7-8 महीने का बच्चा है तो कुछ समझता नहीं। हम ही अंदाजा लगाते हैं उसके देखकर, हमारे तरफ मुस्कुराता तो हम बोलते पहचान लिया इसने, मुझे जान लिया इसने, इसको ज्यादा समझ में आ गई है, ये अभी मुझको बात किया, बहुत फास्ट है, स्लो है। हम ही कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद, हम ही तय करते हैं। मगर धीरे धीरे हम उसको सिखाते हैं, माँ बोल, पापा बोल, दादा बोल, दादी बोल, हम सिखाते हैं और वो एक दो शब्द पकड़ता है और वो पकड़कर वो उच्चारण करता है। तो ये सभी जीव जितने भी है दुनिया में, वो सारे जीव क्या करते हैं, अपना ज्ञान दूसरों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, देते लेते हैं, जो देने वाले वो लेते हैं, देने वाले देते रहते। तो ये सिलसिला जो है ना, ये सीखना, ये स्वीकार करना, ये अपनाना, ये एक प्रशिक्षण हमारा सतत चलते रहता है, हरदम चलते रहता है। और ये जब ऐसे करते करते जब उसका एक उच्चारण होता है, एक उसमें प्राप्ति हो जाती है, तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को ज्ञानी कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है, उसको आदरणीय कहा जाता है, उसको सम्माननीय कहा जाता है, उसको पूजनीय कहा जाता है, उसको आवनीय, पावनीय, दक्षिणेय, अंजलि करणीय जैसे उच्चारण करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका आदरणीय करते हैं, उसको भोजन देते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, यानी क्या होता है, वो आदमी का सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने उस गुणों को पा लिया है, उन गुणों के वजह से वो व्यक्ति चमक रहा है, उन गुणों के वजह से वो व्यक्ति अपने आप में अनोखा दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, वो गुणों के वजह से वो अलंकृत हो गया है, उस गुण के वजह से वो एक गहना उसमें है, उसके पास में आ गया, जिसका मूल्य वो बढ़ गया है, वो मौल्यवान हो गया है, वो सामान्य नहीं रहा, उसकी कीमत होने लगी। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा मेरिट आ गया, मेरिट में आ गया तो क्या होता है, समाज में भी उसका स्वागत करते हैं, उसको तोहफे देते हैं, उसको हार देते हैं, फूल देते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं, उसको मिठाइयां खिलाते हैं और अपने बच्चों को उससे मार्गदर्शन करने के लिए लेके जाते हैं, उसको घर में इनवाइट करते हैं। मेरिट क्या हो गया उसका, अलंकार हो गया, उसका ज्ञान क्या हो गया, अलंकार हो गया। तो उसी तरीके से ये जो सिलसिला चल रहा है हमारा 10 सप्ताह का, ये 10 अलंकारों का एक आपको हमारी तरफ से, हमको आपकी तरफ से ये गहने को चमकाने का एक जरिया है। पिछली बार ध्यान साधना को आपने सुना, ध्यान साधना के बारे में आपने देखा कि ध्यान करने से व्यक्ति में कितने गुण बढ़ते हैं, शांत हो जाता है, ग्रहणशील हो जाता है, सहनशील हो जाता है, समाशील हो जाता है, और इतना ही नहीं तो सहिष्णु होता है। तो ये गुण ध्यान साधना से अगर बढ़ते हैं, उसकी मैत्री भावना बढ़ती है, उसमें एक ऐसा मन तैयार होता है, इसको बौद्धों की परंपराओं में बोधिचित्त कहते हैं, जो सब में अपनी माँ पूछता है, कभी ना कभी वो मेरी माँ रही होगी, वो मेरी माँ है,
ध्यान साधना की वजह से उसका जो क्रोधी मन है, उसका जो द्वेष पूर्ण मन है, उसका जो हिंसात्मक मन है, उसका जो एक नकारात्मक मन है, वो नकारात्मक मन सकारात्मक होता है। और जो बातें उसको देखना नहीं आता है वो देख ना सकता है, यानी उसकी आंखें खुलती हैं, उसको दृष्टि प्राप्त होती है, देख ना सकता है। और जब देख ना सकता है तो क्या लगता है उसको कि सभी समान है, मैं कोई बिरला अलग पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे भी उसी तरीके के दुख कष्ट होते हैं, उनको भी होते हैं, तो मैं दुखदायी कृति ना करूं, मैं अच्छी कृति करूं, मैं अच्छा व्यक्ति बनूं। यानी ध्यान साधना करने से नहीं होता है। कई बार लोगों को गलत फहमी है कि इतना ध्यान करता कोई भी नहीं बदला है, तो ध्यान करने से कोई बदलता नहीं है। ध्यान करने से तुम्हारी मूर्खता भी दूर नहीं होती है, ज्यादा हो सकते बल्कि, क्योंकि आंखें बंद करते हैं कुछ लोग, आंखें बंद करके अपने भगवान को देखते हैं, अपने रंगों को देखते हैं, किसी को सांप दिखते हैं, नाग दिखता है, किसी को हाथी दिखता है, किसी को लोमड़ी दिखती है, किसी को भूत दिखता है, तो वो बोलते हैं ये दिख गया। यानी कुछ लोग सीधे बैठते हैं एकदम ध्यान साधना में, एकदम सीधे, और अपने शरीर को पूरा सख्त बनाते हैं, तो वो योगासन नहीं है ध्यान साधना। ध्यान साधना करते करते कभी ना कभी एक झलक होती है, एक दृष्टांत तो होता है जिसमें पता चलता है कि अरे मैं तो ध्यान ही नहीं कर रहा था, मैं तो मेरा समय ऐसे ही बर्बाद कर रहा था। वो तो जागृति मिलती है, वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। सही मायने में वहां से ध्यान की शुरुआत होती है कि जब हम जाग जाए, हम जो बड़बड़ चल रही है मानसिक अवस्था वो रुक जाए, चल रहा है आंख बंद है मगर हम गाने गा रहे हैं, विचार के गति में अपने आप को शामिल कर, वो ध्यान नहीं है, आप वो विचारों में खोए हुए हैं, मगर जब पता चल जाए कि मैं विचारों में इतना समय जाया कर लिया, वो ध्यान की शुरुआत। तो कई बार हमको ये सब चीजें समझती नहीं है, और इसीलिए जब समझती है तो आप एक प्रकार से उस गहनों की गुणों से चमक जाते हैं, और इसलिए वो गहने का माप है। तो ध्यान साधना ये पहला अलंकार था, गहना था, आभूषण था, जिससे आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने आप को आभूषित करने वाले। तो दूसरा जो अलंकार है, दूसरा जो आभूषण है, दूसरा जो गहना है, दूसरा जो आर्नामेंट है, वो है धम्म अभ्यास। और धम्म अभ्यास यानी अभ्यास है, धम्म अभ्यास है। तो मैं इस प्रवचन के बारे में यानी आपसे कुछ बात करने के बारे में सोच रहा था, तो अभ्यास यानी क्या बड़ी बात है। तो मेरे सामने एक ही दुनिया का आदमी खड़ा होता है अभ्यास की बात करूं तो, वो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 18 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे हमारा 18 घंटे मोबाइल नहीं छूटता, व्हाट्सएप, इतनी बीमारी लग गई वो व्हाट्सएप की, इतनी रिएक्टिव माइंड हो गया अपना कि नींद में भी उंगली घुमाते रहते, ध्यान में भी, कुछ ध्यान करने वाले लोग भी मोबाइल के बगैर ध्यान नहीं कर सकते, मगर बाबा साहब 18 घंटे पढ़ते थे, और एक दिन पढ़ते नहीं, एक दिन पढ़े नहीं, अपने विद्यार्थी दशा में वो 18 घंटे ही पढ़ते रहे, और ये पढ़ने के वजह से वो बाबा साहब का एक ही व्यक्ति मेरे सामने आया। उसके पहले शेक्सपियर का जिक्र करते हो, शेक्सपियर को लगभग उसने अपने तरीके से 8,000 शब्दों की निर्मित की, बाबा साहब ने उससे भी ज्यादा शब्दों की निर्मित की अपने खुद के ज्ञान से। यानी 8,000 शब्दों की निर्मित करना शेक्सपियर को संभव हुआ, बाबा साहब को उससे भी ज्यादा शब्दों की निर्मित करने का संभव हुआ, क्योंकि वो पढ़ते थे। अब ये जो पढ़े बाबा साहब, हम बाबा साहब बोलते हैं उपादर से, वो इसलिए नहीं बोलते कि वो महाराजी में पैदा हुए और फिर वो अकेले पढ़े लिखे और उसके बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया उन्होंने, इसके लिए नहीं करते। वो जो ज्ञान उनको मिला
इस ज्ञान से वो जो चमक पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी अपनी रौनक बताई है, अपना एक प्रकाश बताया है कि सारे उनसे प्रकाशित जो लोग थे उनके बराबर के वो सब पिंकीले होने लगे, धुंधले होने लगे, उनके प्रकाश के सामने वो सारे के सारे बंद चालू होने वाले बलक होने लगे। तो ये जादू होती है पढ़ाई की, ये किमिया होती पढ़ने की। और हमारा पढ़ना क्या है, क्या पढ़ते हैं हम, एक पन्ना, एक पैराग्राफ, एक लाइन, ढंग से कुछ भी नहीं है हमारा, दूर दूर तक हमारा किताबों से कोई वास्ता नहीं। धम्म अभ्यास के हमारे हमारे बच्चे अभी इंजीनियर हो गए, नासा में है, फिर कनाडा में है, बहुत सारी जगह पे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे, बहुत अच्छी बात है। वो उनके उनके वो ज्ञान की वजह से वहां पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, सराहना होनी चाहिए उसको। पर हम लोग आज के जमाने में देखते हैं ये करना क्यों है, धम्माभ्यास करना क्यों है मुझे। तो तथागत बुद्ध ने ये चार आर्य सत्य देखने के लिए हमको कहा कि दृष्टि विकसित होना चाहिए, सम्यक दृष्टि का निर्माण होना चाहिए, हमारे में देखने की कला आनी चाहिए, जानने की कला आनी चाहिए, समझने की क्षमता पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक अजीबोगरीब दुनिया में रहते हैं तो यहाँ जो ऋग्वेद के 11वें अध्याय में पुरुष युक्त सूत्र है और उस पुरुष युक्त सूत्र में बताया है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा होता है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होता है और जांघों से वैश्य पैदा होता है और पैरों से शूद्र पैदा होता है। तो हम पूरी पूरे भारत में इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। किसने लिखा, क्यों लिखा, इसको जानने की कोई हमको कोई मतलब ही नहीं, मानना है बस, हमको मानना है कि ये मानने की जो पद्धति है ये पद्धति को बुद्ध ने चैलेंज किया, चुनौती दी थी कि मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, बताओ, क्योंकि ये बातें है ही नहीं है, ढकोसला है। ये आत्मविश्वास उनको सम्यक दृष्टि से प्राप्त होगा, सम्यक ज्ञान से प्राप्त होगा और वो सम्यक ज्ञान उन्होंने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया, बहुत मेहनत करी उन्होंने, त्याग किया उन्होंने, सर्व त्यागने के बाद उनको ये सम्यक दृष्टि समझ में आ गई। हमारे समझ में नहीं आए, हम उतना तो समझ गए कि ये हम विज्ञानवादी लोग हैं, हम इन बातों को नहीं मानते, समझ में आता है। पर ब्राह्मणी जो तौर तरीके है वो तौर तरीकों में फंस गए, यानी वो तौर तरीके हम अपनाने लगे और वो तौर तरीके जो है हमारे जिंदगी का प्रमुख हिस्सा बन गया। फिर हम अगर कोई शादी विवाह करते हैं हमारे घर में तो वो जो तरीके हैं वो तरीकों का इस्तेमाल होता है, वो तरीके ही हम अपने आप पर लदवाते हैं, पता ही नहीं चलता कब हम हिंदू हो गए, पता ही नहीं चलता कि हम कब से हिंदू धर्म का फॉलो कर रहे हैं और ये हमारा मैकेनिकल काम हो गया, मैकेनिकल हो गया और इस मैकेनिकल में बड़े बड़े लोग फंस गए। अब बड़े लोग हमारे फंस गए तो हमको तो उनका अनुकरण करना ही पड़ता है, हम भी अनुकरण करने लगे, वैसे भी हम अनुकरण प्रिय लोग हैं, बचपन से हमको अनुकरण प्रिय बनाया गया है स्कूल में,
सर ने बताया ये बोलो तो ये बोलते रहे, बच्चे सोते भी रहे तो यही बोलता रहो, उसको मारे भी तो ये भी सीधी तरह बोलता रहा, क्योंकि अनुकरण हो गया, हाँ याद हो गया, उसको दूसरा कुछ समझता नहीं, मैकेनिकल हो गया। और ये मैकेनिकल मेंटल स्टेट इतनी भयानक हो गई है कि मेरे आईटी के जितने भी भाई है बहने हैं उनको कुछ समझता नहीं, उनको काम मिल गया है, उनका उनकी सैलरी का जो पैकेज है वो लगभग 20 लाख 40 लाख ऐसा है, उनको ये पैकेज में वो ये भूल गए कि बुद्ध बोले, बाबा साहब को बोले, मेरा मेरे माँ बाप का सुख का है, मेरा सुख का है, भूल गए। ये केवल मेरे आईटी के भाई बहनों के साथ में हो रहा है ऐसा नहीं, ये हमारे सभी के साथ में हो रहा है। हमारा माइंड जो है ना हाईजैक हो गया है, यानी अपहरण हो गया है, और ये अपहरण जो मन है उसका कोई दूसरा नेतृत्व कर रहा है। अपहरण किए हुए जो शरणार्थी होते हैं उनके मालक होते हैं, उनके मास्टर होते हैं, वो उनको बोलते हैं इतने बजे खाना खाने जाना है, और थोड़ा भी पहले निकले तो आपको कोड़े बरसाए जाएंगे, तो वो डर के हमारे बेचारा उतने ही समझ, तो हमारा भी माइंड जो है, हमारा मन जो है अपहरण हो गए, और हम किसी तो भी मानसिक अवस्था के गुलाम, और उस गुलाम गिरी की वजह से हम सोचते नहीं कि मेरे को करना क्या है। और अचानक फिर हमारा कोई ब्रह्मचारी भाई बताता है कि देखो इस शिविर में आ जाओ, तो जब शिविर में आता है तो वो रोता बिलखता और अपने आप को कोसता है कि यार मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इन्हीं बातों में रहकर, मुझे तो ये करना था, मुझे तो ये बातें करना बहुत जरूरी था, मैंने इन बातों की तरफ पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और वो नजरअंदाज करना उसके जब ध्यान में आता है तो उसकी दृष्टि खुलती है, थोड़ा उसका खुलता है दिमाग, और वो बोलता है कि अब मेरी बची बची जिंदगी अच्छे काम में डालूंगा, धम्म के संपर्क में रखूंगा। और जब वो धम्म के संपर्क में आता है तो यहां संरक्षित जी बोलते हैं कि यहां धर्माभ्यास शुरुआत होता है, यहां धर्माभ्यास करने की एक तीव्रता उसके मन में निर्माण, मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे बुद्ध को पढ़ना है, बुद्ध कौन है, बुद्ध कैसे है, बुद्ध के बारे में ये जो भी बोला जाता है इसके अर्थ जानना है, तो फिर वो किताबों के माध्यम से जानता है, और किताबों के माध्यम से जो जानता है तो वो अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको बताता है, बुद्ध ऐसे नहीं ऐसे है, यानी क्या होता है वो पहले कॉन्फिडेंट होता है, यानी पढ़ाई क्या करा दी उसमें, आत्मविश्वास करा दी, आत्मविश्वास आ गया। अभी एक डॉक्टर के साथ में मेरी बातचीत हुई, वो डॉक्टर बड़ा तारीफ कर रहा है राधा और कृष्ण की, तो मैंने उसको बोला कि कैन यू रीड रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, तो वो बोला कि यस आई रीड इट बट स्टिल आई फील माय इमोशन गोइंग टुवर्ड दैट, यानी उसकी भावनाएं बदल नहीं रही। मैंने उसको बोला क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़ ले, तो ये ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा था, इतना ही पढ़ ले तेरी आंखें खुल जाएगी, ये भगवान दुनिया में हुए कैसे, क्या कैसे, ये पैसे लिखे गए, ये बाबा साहब ने सब कुछ करके रखा है हमारे लिए, पर बावजूद उसके नहीं पढ़ने की वजह से, उसके तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से, हम कब अंदर के रास्ते से अपहरण किया हुआ जो आदमी का दिमाग है वो कैसा आपको बरगलाता है, कैसा गुमराह करता है, वो समझ में नहीं, और हम भटक जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। और इसीलिए बाबा साहब ने हमारे लिए शिक्षित बनो, शिक्षित बनो ये शब्द नहीं लो, और उसके पहले भी बुद्ध क्या बोलते हैं, अपनी आंखें खोलो, सम्यक दृष्टि का अपने आप में निर्माण करो, प्राप्त करो, क्योंकि दुनिया आपको कुछ भी बता सकती है, ब्रह्मचारी कोई भी
कुछ भी बता सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको टटोलना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, उनको भी मदद करनी पड़ेगी, यहां आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। यानी क्लियर धम्म, सुस्पष्ट धम्म लोगों तक गया ही नहीं। छठी सदी में ह्यूएन संघ आए चाइना से चल के, कोई इंदौर से चल के वो नागलोक आ रहे नहीं है, चाइना से चल के वो बंदा छठी सदी में यहां पैदल चल के आया। चाइना से आते वक्त क्या है बीच में, हिमालय है, रेगिस्तान है, अफगानिस्तान है, यानी कई खुकार खाड़िया है, समंदर है, ये सब पार करके वो यहां आया। और एक ही धुन कि मुझे बुद्धा के भूमि पे सर टिकाना है और यहाँ वो दर्शन लेके यहाँ का जो भी साहित्य वो लेके आना है अपने भाई बहनों के लिए अनुवाद करना है। हम में तो है ही नहीं, हम तो किताबों की दुकान के तरफ जाएंगे भी तो शायद ही कोई किताब खरीदते, वो भावना ही नहीं। बाबा साहब जब भी मतलब बाबा साहब मुंबई से पुणे इसलिए आते थे कि मुझे किताबें दो, बाबा साहब मुंबई का कोई भी किताबों का दुकान नहीं छोड़ते थे, दिल्ली का कोई भी पुस्तकालय उनसे नहीं छोड़ते, लंदन से सारी किताबें अपनी बोट में लाए, कमाल है ना। हमारे कपड़े ही बैग में मतलब दूसरी बैग लेनी पड़ती, कपड़े लेने के लिए। तो हमारी जो भूख है वो टोटली अज्ञान को बढ़ाने की, अज्ञान को और बड़ा मोटा ताजा करने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए नहीं, ज्ञान को अपने आप में आए उसके लिए नहीं। एक लड़का मदद मांगता है मुझे और एक मेरे दोस्त, हम लोग मदद करते, पता चल रहा है वो अभी थोड़ा बिखरा है, कर नहीं रहा उस पैसों का इस्तेमाल। तो उन्होंने पूछा मुझे कि पढ़ता क्यों नहीं पता करो, इसका रिजल्ट क्यों बकवास आ रहा है पता करो। तो उसको पूछे तो क्या करो, सर बोले वो यूट्यूब में ही मेरा टाइम जा रहा है। बोले यार बाबा साहब इतना पढ़ते तू क्यों नहीं पढ़ता, तो बोले मेरा मन ही नहीं लग रहा आज, यानी हमको हाइजैक कर गए, करा नहीं आता, यानी दुनिया पूरी हाइजैक करने के लिए तैयार है, अपहरण करने के लिए तैयार है और हम बैठे और लूट लो। तो हमको कहीं ना कहीं अपने आप के आदतों पर कार्य करना पड़ेगा। ये जो भी मशीनें हैं इसका उपयोग जो है वो कोई तो करवा रहा है, वो कोई तो भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये दूसरे पड़े हुए हैं, दूसरे कुछ तो कर रहे हैं, ये मान के हम अगर उनके शिकार में फंस गए तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कितना टाइम बर्बाद करूं, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे मैं पढ़ने के बाद में होगा क्या। अभी नागलोक के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अपने घर जाते हैं तो उनके 4-8 दिन के बिहेवियर से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, हालांकि वो इतनी उम्र नहीं होती कि उनकी वो कि वो अपना कोई प्रभाव बना के रख सके, क्योंकि डिपेंड होते हैं, मगर फिर भी उनमें कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी छाप रखी देते हैं कि नहीं ये बच्चों के जैसे मेरे को बनना है। तो वो बच्चों को देख के दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को नागलोक में भेजना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट दिखता है कि हाँ भाई पढ़ने लिखने वाले लड़के ऐसे होते। तो मेरे ख्याल से धम्म का अभ्यास करना ये और पढ़ना इसमें थोड़ा अंतर है। धम्म का पढ़ना मतलब मेरे और समाज के साथ साथ वही इस देश का भी विकास करना। हम बाबा साहब के उद्देश्य को देखते हैं, बाबा साहब ने पहले अपना विकास किया, उसके बाद में अपने समाज का उत्थान किया और उन्होंने ऐसी एक बात दे रखी है अपने को कि हम भी उनके वारस बन गए, हम भी एक तरीके से उनका वारस बन गए।
और हम भी वही बात देना चाहते हैं, हम भी सब वही बात करना चाहते हैं औरों के लिए। कितना बड़ा दायित्व हम पर है, कितना बड़ा काम हमको करना है, और अगर ये काम हम करते हैं और क्लैरिटी के साथ में नहीं करते, यानी स्पष्टता के साथ में नहीं करते, तो हम गलत कर देंगे, गलत बातें बताएंगे, गलत बातें लोगों के मन में पिरोएंगी, गलत तरीके से धम्मा बताना। ये गलत धम्मा बताना ये दुनिया का सबसे अकुशल काम है। धम्मा तुमको मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो मत बताओ, पर मालूम नहीं होने के बाद भी आड़ी तड़ी बात बता के ये बुद्ध ने बोला, ये बाबा साहब ने बोला। कई बार हम लोग अपने को जो शब्द समझे हम उसी में मजबूती से उसी बात का दावा करते हैं, मगर दूसरी भाषा में और कौन सा शब्द है, तीसरी भाषा में उसको क्या कहा जाता है, उसको और किस तरीके से समझा जा सकता है, वो समझने की परख ग्रुप डिस्कशन में आती, कट चर्चाओं में आती। नहीं तो हम लोगों में कुछ लोगों को आदत है एक किताब दो, किताब का पढ़ो और पढ़ते ही शायद अपन घर्राटे लेकर सो जाओ। जैसे मान लो किताब क्या है, यानी नींद आने की गोली, किताब लो सो जाओ, किताब नहीं मत सो। तो वो चर्चा करना है, अलग अलग एंगल से देखना है। मैं कभी अपने बुद्ध को अगर फुटबॉल प्लेयर के साथ में बात करूं तो क्या करूं, शांत से दौड़ो, धीरे से पैर, बॉल को कीक मारो, ऐसा बोलूं, ऐसा बताऊंगा तो क्या बनेगा मेरे को ग्रांट। तो बुद्ध की चैतन्य मुझे उनको भी बताना है, तो मुझे फिर उनके अलग जब ही उन्होंने जो खेल कूद करने वाले लोगों को क्या शिक्षा बताई थी वो तो मालूम करना पड़ेगा। एक काम करने वाले आदमी के साथ में मैं अगर कुछ वार्तालाप करूं और वो बेचारा अपना बताया यहाँ परेशानी यहाँ परेशानी, और मैं अपने तरीके से उसको बताऊ ये तो नहीं है यार, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अनुभव ही नहीं, मगर बुद्ध ने ये सब लोगों को मार्गदर्शन किया है। वो अगर मैं पढ़ू वो सूत्र अगर मैं जान के लू तो उनको भी मार्गदर्शन कर सकता हूँ, उचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ, और उनको बता भी सकता हूँ कि ये पढ़ो तुम भी पढ़ो, तुम शायद इसमें सबसे अलग पढ़ने को मिले। तो हम जब देखते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है वो शिक्षा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अभी आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा कि ये दुख निवारण का मार्ग है, दुख दूर हो सकता है, इससे पूरे समाज का दुख दूर हो सकता है, ये उन्होंने बता दिया। मुझे मालूम ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं ना इसका, तो मैं उसका वो पठन करूंगा पढ़ूंगा और फिर मैं समझूंगा कि यार ऐसे यहाँ ऐसे बताइए, मैंने तो किसी आदमी को देखा नहीं। तो चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, सम्यक संकल्प की बात करते हैं। मैं तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, पर मैं फेल होता हूँ, सफल नहीं हूँ, तो उसकी वजह क्या है, वो किताब में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि तो कैसे संकल्प करना है अपनी दृष्टि को मजबूत रखने के लिए, डिटर्मिनेशन कैसे करना है, क्या करना है, डिटर्मिनेशन करने से मैं अपने कार्य को पूरा कर सकता हूँ। सम्यक वाणी में क्या होता है, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से बोला गया बुद्ध से, उसके उदाहरण जब पढ़ते हैं तो मेरी वाणी दुष्ट होती है, मेरी वाणी किसी के काम की है ये मुझे समझ में आता है। दूसरे गलत बोलेंगे मगर मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो एक निर्धार का होता है। उसके बाद में सम्यक कर्मांत में कैसे करूं, मेरे कर्म कैसे होंगे, मेरे शारीरिक कर्म कैसे होने चाहिए, मेरे वाचिक कर्म कैसे होने चाहिए, मेरे मानसिक कर्म कैसे होने चाहिए, वो कर्म की मेरे को क्लैरिटी मिलती है। उसके बाद सम्यक आजीविका जो है, यानी मेरी आजीविका को लेके बुद्ध ने बताया कि आजीविका यानी मेरे मेरे रोज जीने जीने के लिए भरण पोषण लगता है, उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए,
उसका भी मार्गदर्शन उन्होंने किया है। उसके बाद ये करते करते मुझे उत्साह चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एक तरीके से वो शक्ति चाहिए करने के लिए। अगर शक्ति नहीं रही और सब बातें मालूम है तो मैं शायद वो उसका उपयोग नहीं करता, या फिर बहुत शक्ति है मेरे पास में तो कुछ लोग पगले की जैसे इधर उधर घूमते रहते, पगले की जैसे बातें ही करते रहते, टाइम पास करते रहते। तो बुद्ध का धर्म टाइम पास से बचाता है। आप अगर समय कायम पढ़ते हैं तो आपको वहां चार प्रयत्न पढ़ने को मिलेंगे कि क्या टालना है मुझे, मेरे मन का जो विकास करना है उस विकास में कौन से गतिरोध है, वो गतिरोधों को टालना है। और जब टालूंगा तो फिर उसको उच्छेद भी करना है, उखाड़ फेंकना है, उसका रास्ता साफ करना है। तो ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में हम उतारते हैं, अपनाते हैं, और जब ऐसा करना चालू करते हैं तो पता चलता है कि इतना आसान नहीं है, ये तो माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। तो सम्यक स्मृति बताते हो, और जब सम्यक स्मृति बताते हैं तो उस सम्यक स्मृति से मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने साल का हो गया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्लियर नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं है। बुद्ध ने बताया बुद्ध तो प्राप्त करना उद्देश्य है, संघरक्षण जी बताते श्रोतापन्न बनना है, और मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये उद्देश्य उस स्मृति से और साम्राज्य की मदद से क्लियर होता है, और फिर मैं सम्यक समाधि की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये जो आठों अंग है ये बुद्ध ने बताया कि ये अपने जीवन का निर्वाण प्राप्त का जरिया है। तो ये पढ़ने के बाद अकल आती है, और अकल आती है तो आपके कार्य आपके व्यवहार दुरुस्त होते हैं, और वो दुरुस्त होने की वजह से आपको लोग आदर करते हैं, आपका सत्कार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संपर्क साधना चाहते हैं। ये गहना आप कहीं ना कहीं एक सर पर ताज जैसा चमकता है, आप लोगों को भीड़ में भी दिखाई देते हो, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप में भी वो कुमकुमी निर्माण होती है कि मैं लोगों तक जाऊं। यानी ये अलंकार अपने पास में तिजोरी में बंद करके रखने का नहीं होता, तो मैं बांटू, ये लोगों को दूं, इसमें से एक आधा हिस्सा मैं इसको दे दूं, एक आधा हिस्सा इसको दे दूं, एक आधा हिस्सा इसको दे दूं, और ये सभी लोग अलंकारित हो, ऐसी भावना उत्पन्न हो। कंजूस नहीं होता आदमी, अपने आप में नहीं रहता आदमी। यानी एक क्लैरिटी आने के बाद, धम्म की क्लैरिटी आने के बाद, धम्म की स्पष्टता आने के बाद आदमी पूरी तरह से आजाद होता है, व्यक्ति बनता है, और वो व्यक्ति बनने के बाद वो औरों को व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया में शामिल करता है। और जो वो इस प्रक्रिया में शामिल करता है तो उसको जाना पड़ता है शिविर, वो शिविरों में जाता है, वो कोई ना कोई विषय को लेकर शिविर करता है, और वो शिविरों में उसका जो पढ़ाई होती है, उसका जो अभ्यास होता है, तो उस अभ्यास की वजह से